गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए। मेरा पिंपल भी मेरे साथ ही उठ गया। 5 बज गए हैं, अभी तो 5:15 हो गए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर। इसमें हंसने वाली क्या बात है मेरे पास? आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर घूमने, और हम लोग मंदिर भी जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं हम लोग, और राम तीर्थ जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल पहले भी गए हैं, बट राम तीर्थ हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वी आर एक्साइटेड। तो आज हम लोग आप लोगों को राम तीर्थ और गोल्डन टेम्पल की सैर कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह सुबह मम्मी ने बना दिए हैं पराठे, वो भी आलू के, और साथ में है बटर। वो डाल रहे हैं चाय। थैंक यू। नाउ वी आर रेडी टू गो अमृतसर। ये देखिए अमृतसर जाने के रास्ते में कितनी फॉग है वहां, और सुबह सुबह ठंड भी है बहुत ज्यादा। सूरज देवता ने दर्शन दिए तो ठंड खत्म हो जाएगी। वाव, देखो कितना प्यारा लग रहा है सूरज, उगता हुआ सूरज। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बटाला। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल। ये पूरी मार्केट गोल्डन टेंपल जाते टाइम रास्ते में ही आती है, और ये मार्केट में आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी जुत्तियाँ, पंजाबी जुत्ती, फुलकारी और बहुत सारा सामान मिल जाएगा आपको वहाँ पे। और ये मार्केट भी अभी कुछ सालों पहले ही बनाई है, ऐसी पहले नहीं थी। ये सामने जलियांवाला बाग है, यहाँ पर भी जाएंगे अभी अगर टाइम हुआ तो। कितना प्यारा बना है। इस साइड है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल। यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है यार, आसपास सारी मार्केट है, यहाँ पे हर चीज मिल जाती है। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी शूज उतारेंगे अपने जोड़ा घर। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले यहाँ पे पैर धोने होते हैं, तो हम लोग अभी पैर धो रहे हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। अभी ये मैं बाहर से रिकॉर्ड कर रही हूँ गोल्डन टेम्पल। ये देखिए ये पूरा गुरुद्वारा कितना सुंदर है। बाकी अंदर मैं रिकॉर्डिंग शायद नहीं करने देते, एक्चुअली यहाँ के रूल्स क्या हैं मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी। और बाहर से गुरुद्वारा कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, वो प्राचीन मंदिर है शनिदेव का गुरुद्वारा के बिल्कुल ठीक बाहर। और हम लोगों को 2 घंटे लग गए लाइन में लगते हुए, 2 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे गुरुद्वारे में। सुबह से हम लोग खाली पेट थे, तो अभी बज चुके हैं 1 दिन के, और सामने है भरावां दा ढाबा। भरावां दा ढाबा यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो हम लोग हमेशा जब भी आते हैं अमृतसर तो यहीं पे जाते हैं।
खाना हम लोग खा चुके हैं और हम लोगों ने लास्ट में डेजर्ट ऑर्डर किया था, ये है मटके वाली कुल्फी। कुल्फी खाने में बहुत यम्मी थी, बट इन लोगों को मटके की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी होगी क्योंकि मटका टूट चुका था और बीच बीच में हम लोगों को मिट्टी भी आ रही थी खाने में। ये हम लोग राम तीर्थ मंदिर जा रहे हैं बट हमें रास्ता नहीं मिल रहा और ये मैप वाली भी हमें गलत रास्ते में भेज रही है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ। फाइनली ढूंढते ढूंढते हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने मंदिर की एंट्रेंस है, ये वाल्मीकि तीर्थ के नाम से जाना जाता है बट इसको राम तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब सीता माता को दूसरी टाइम राम जी द्वारा वनवास मिला था तब उन्होंने वाल्मीकि जी के इसी आश्रम में शरण ली थी। यहीं पे लवकुश भी पैदा हुए थे और उनके भी मंदिर हैं यहाँ पे। इस मंदिर में ये सामने वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापित की गई है और मम्मी पापा थक चुके हैं, उनको हम लोगों ने साइड में बैठा दिया है। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मम्मी पापा को हम लोगों ने पीछे ही बैठा दिया है। अब मैं और अंकित हम दोनों मंदिर की पूरी परिक्रमा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये माता सीता और लवकुश जी का आश्रम था, यहीं पे वो लोग रहते थे और हम लोग अंदर भी गए थे, अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई। अंदर कहा जाता है कि लवकुश की कुटिया भी पड़ी हुई है अभी भी। अभी हम लोग उस मंदिर में आए हैं जहाँ पे श्री राम जी द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने पकड़ के इसी मंदिर में, मतलब इसी साइड में पेड़ है वहाँ पे बांधा था और वो पेड़ अभी भी है अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मंदिर बना दिया है और ये रहा साइड में पेड़, इसी पेड़ में उस घोड़े को लवकुश द्वारा बांधा गया था, मतलब उस टाइम से अभी तक ये पेड़ है। वाओ, अभी हम लोग आ चुके हैं लवकुश की पाठशाला। ये लवकुश जी की पाठशाला होती थी उस टाइम पे और ये मंदिर देखिए कितना पुराना है अभी भी। ये अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे गुफा में, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी के 7 बार परिक्रमा करने से आप लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है, तो हम लोगों ने भी 7 परिक्रमा की थी यहाँ पे। अभी हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे सीता माता धरती में समा गए थे, ये वही जगह है। इस जगह पे सीता माता जी लास्ट में धरती में समा गए थे तो यहीं पे उनका मंदिर बना दिया है और ये सीता माता जी की मूर्ति है और ऊपर भी एक मंदिर बना दिया है।
ये अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस मंदिर में। हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए, बट एक जगह रह गई हमारी, सीता माता जी जो कुएं में लवकुश जी के कपड़े धोते थे वो कुआं हम नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को।